हमारे जो घर का मेन डोर है, मुख्य द्वार है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो थोड़ा सा उस केस में डाउट करने लग जाते हैं, या थोड़ी टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। सो देखिए, एज पर वास्तु आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके घर का जो मेन डोर है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। लेकिन उसके साथ में अगर आपके घर का मेन डोर वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में है तो भी वो इनऑस्पिशियस बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ उस बारे में टेंशन मत लीजिए। उनके उपाय भी हम बताएंगे, यदि है साउथ में तो हम क्या कर सकते हैं और यदि वेस्ट में है तो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा जो आपके घर का मेन डोर है जहाँ से एंट्री करते हैं वो हमेशा बहुत ब्यूटीफाई और डेकोरेटेड रहना चाहिए। ये हमेशा मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। एंड ये एक वे होता है वेलकम करने का, गेस्ट का, गॉड का, क्योंकि हमेशा हम यही सीखते आए हैं, बोलते आए हैं अतिथि देवो भव। हमें नहीं पता किस रूप में भगवान आ जाएंगे, वो डिवाइन पावर्स हमारे पास आएंगी, एंजल्स आते हैं, तो वो किस रूप में आते हैं हमें नहीं पता। इसीलिए हर एक गेस्ट का, हर एक पर्सन का जो वेलकम है वो आप मेन डोर से करते हैं। तो यदि आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं मेन डोर पे उनका वेलकम करने के लिए, तो ऑल द टाइम आपका मेन डोर डेकोरेटेड है, ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो कोई भी जो आपके घर में आएगा वो बहुत खुश और पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा, सबसे पहली बात। अब जो है मेन डोर घर का आपका यदि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को गुरु की दिशा बोलते हैं, यानी बृहस्पति देव, विष्णु जी की, ईशान कोण भी बोला जाता है इसको। तो जिन लोगों का मेन डोर जो है घर का वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, उन्हें उनके घर को हम गुरु का घर भी बोलते हैं, बृहस्पति देव का घर भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शंस हैं, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमेशा एक प्रोग्रेस और प्रॉस्पैरिटी के ट्रैक पे ही रहते हैं। उनके घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को हमेशा प्रोग्रेस मिलती है, समृद्धि मिलती है, घर में हमेशा पीस बना रहता है, शांति बनी रहती है, लोग बहुत खुश फील करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। यदि मेन डोर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेन डोर्स तो नहीं बनवा सकते, वॉल तो होगी, तो अगर आप हो सके तो वहाँ पे खिड़कियाँ बनवा सकते हैं, विंडोज़ बनवा सकते हैं। और इस डायरेक्शन में जितनी ज़्यादा विंडोज़ हो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज हैं उसका फ्लो आपके घर में उसी डायरेक्शन से आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे घर की सबसे बड़ी विंडोज़ होना ज़रूरी है, डोर्स होना ज़रूरी है, और घर की बालकनी अगर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या अपर फ्लोर्स पे रहते हैं तो घर की जो बालकनी है वो भी आपकी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है ये बहुत लाइट रहनी चाहिए, यहाँ से एनर्जी फ्लो, एयर फ्लो बहुत पूरा घर के अंदर आना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि घर के लोग बहुत खुश रहते हैं, ऑल द टाइम प्रोग्रेस पे रहते हैं, समृद्धि पे रहते हैं, प्रॉस्पैरिटी आती रहती है, और जो बच्चे हैं उनकी भी स्टडीज़ में वो बहुत प्रोग्रेस करते हैं हमेशा, कोई भी टाइप का कलह कलेश नहीं देखेंगे आप इन फैमिलीज़ में। और इसी के साथ में जो फेम है, नेम है और वेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर की डायरेक्शन भी है, यक्ष कुबेर की, और वेल्थ की डायरेक्शन है। सो इसीलिए यहाँ से जो वेल्थ फ्लो है वो बहुत अच्छे से और हमेशा होता रहता है। तो ये एक लॉजिकल और रिलेटेबल बात है कि यदि प्रोग्रेस के ट्रैक पे हैं, प्रॉस्पैरिटी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वेल्थ जो है वहाँ से वेल्थ का फ्लो भी होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर आप अभी बनवाने जा रहे हैं अपना घर, या बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, तो आप ये डायरेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं अपने मेन डोर के लिए। और यदि नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है तो उस केस में आप वहाँ पे विंडोज़, बड़ी विंडोज़ रखवाएं या फिर बालकनी ज़रूर रखवाएं, जिससे कि वहाँ से एनर्जी फ्लो जो है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो वो बना रहे।
तो ये कुछ बातें थी एज पर वास्तु हम देखते हैं और नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब घर होता है, और उसके साथ में जब मैंने आपको बताया कि गुरु का घर भी कहते हैं, तो आसपास में जरूर कोई ना कोई पीपल का पेड़ या फिर कोई मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान आपके घर के आसपास होगा, और ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो इसीलिए आप प्लीज ध्यान रखें। और दूसरी बात है, चिंता बिल्कुल मत करें। यदि साउथ में या वेस्ट में मेन डोर है तो उसके क्या ट्रेड्स हैं, क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज हैं, या और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसकी भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट गेट वरी अबाउट इट। बट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का बहुत ध्यान रखें। मेन डोर्स नहीं है, विंडोज बनवा दीजिए। बालकनी है, बहुत अच्छा है, उनको खुला रहने दीजिए ज़्यादा टाइम के लिए, ताकि वो एनर्जी फ्लो आपके घर के अंदर भी हो। All right, so let's meet you in the next video. Thank you so much. Have a very great day ahead.